नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका संतोष कृषि यंत्र लघु उद्योग चैनल के ऊपर। तो चलिए आज हम बात करेंगे टेपर वाला थ्रेशर के बारे में, सीधे ही मिस्टर रोशन जांगिर से, जो आपको मशीन की पूरी जानकारी देंगे। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और पूरा वीडियो देखे, हम सब कुछ बताएंगे आपको, मशीन कैसे काम करती है और क्या क्या फसलें निकालती है, क्या क्वालिटी है मशीन की। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं टेपर वाला थ्रेशर मशीन के बारे में। इसको थ्री पैन कटर थ्रेशर बोलते हैं। इसमें आपको दो पंखे आएंगे, जिनमें एक दूसरे वाला पंखा आएगा, ये वाला, ये आएगा चुस्की मॉडल, जिसको चुस्की बोलते हैं, सफाई के लिए आता है। तीसरा पंखा आएगा उधर से, जो अनाज की सफाई के लिए लगाया जाता है। आगे हम बात करते हैं, ये टूल बॉक्स खाना वगैरह रखने के लिए काम में आता है। इसमें है, हमने अलग से मुंह निकाला है जो सोयाबीन के लिए है, खास तौर से कचरा ऑटोमेटिक निकलने के लिए निकाला है, इसको खोल दिया जाता है। और आगे चलते हैं, ये है 3-speed गियर बॉक्स, ये हमारे यहाँ अपने द्वारा ही बनाया जाता है। 3 स्पीड आते हैं, पहले 2 स्पीड वाला चलता था, आजकल 3 स्पीड वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो ये मजबूत इसके खड़ा होने के लिए दिया गया है, ये 3 mm मोटा है। इसमें गियर बॉक्स किस तरह काम करता है? गियर बॉक्स 3 गियर दिए जाते हैं, ये तो आता है सिर्फ आगे पीछे करने और न्यूट्रल के लिए। तो ये 3 स्पीड यहाँ से चेंज रहेगा, इसका 3 गियर में आप लगाना जो थर्ड, ये 3 गियर दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये चलने को हिलाने के लिए है, खाली एक्स के वाई ब्रांच के द्वारा ही बनाया जा रहा है। इसे डबल सीरी दी गई, चलने की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपको मैंने बताया ही था, ये सफाई के लिए दिया जाता है। उसमें आप यहाँ से हवा एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से हवा को एडजस्ट कर सकते हैं। सेफ्टी पूरी जगह दी गई है, सब जगह ये हैवी ड्यूटी चैन लगाई गई है। यहाँ तो टायरों की बात करते हैं, तो हमने लार्ज साइज के टायर लगाए हैं, इसमें अपोलो के 8-25-20 है, आप देख सकते हैं इनकी साइज। इसमें एक्सल भी हैवी लगाया हुआ है। सर, इसमें सेफ्टी फीचर क्या क्या दिए गए हैं? सेफ्टी हमने सब जगह दी गए, जहाँ सेफ्टी का ध्यान पूरी तरीके से रखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब सेफ्टी का अच्छा ध्यान रखा गया है। सर, मैं एक और बात पूछना चाहूँगा, आपकी मशीन वाइब्रेशन कितना करती है? हमने देखा है मार्केट में मशीनें वाइब्रेट बहुत करती है, जिससे अलाइनमेंट उनका ख़राब रहता है। इसमें क्या मशीन में वाइब्रेशन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसमें आप एक ग्लास पानी का रख के देख सकते हैं, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके बारे में हमने वीडियो बना रखी है पहले भी, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। यही तो चीज़ है, फिटिंग का फ़र्क है, मशीन की क्वालिटी का फ़र्क है, यही चीज़ तो औरों की मशीन से अलग बनाती है इसको। और सर, मशीनें तो सब बना रहे हैं, पर इसमें क्या खासियत है, कोई स्पेशल चीज़ क्या क्या समझ सकते हैं हम इसके बारे में? तो मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि जैसे एक तो आप टेम्पो चलाओ और एक कार चलाओ, तो उसमें तो फ़र्क तो है ही, बाकी आपको चलाने पे पता चलेगा। आप बिल्कुल अजमाओ इस चीज़ को, चला के देखो।
सर जैसे एक किसान भाई उसे भी आप राय लेते हैं क्या, जैसे कि वो बताते हैं इसमें मशीन में ये कमी आ रही है, तो आगे आप उसको सुधार कितना करते हैं उसमें? बिल्कुल उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। किसान भाई जो मशीन हम लोग बनाते हैं वो चलाते हैं, उनको पता है कि चीज में कहाँ कमी आ रही है, उसका जरूर सुधार किया जाता है। यही खासियत है क्या इस वजह से आपकी मशीनें इतना टाइम लेती है, 10-15 दिन बनने में लग जाते हैं उनको? क्यों मार्केट में तो एक एक दिन में दो दो मशीनें निकल जाती है, आपकी मशीन में 15 दिन क्यों लग जाते हैं? देखिए वही चीज़ की वही बात वही जगह आ जाती है, जैसे उनके प्रोडक्शन में काम चलता है, हमारे क्वालिटी में बन रहा है तो उसी में टाइम लगता है। क्वालिटी बनाने में टाइम तो लगता ही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और सर ये कौन कौन सी फसल निकाल देती है मशीन? मैंने सुना है कि ये जीरा भी निकाल चुके हैं आपकी मशीन। जीरा बताया आपको 10 से लेके 15 तरह की फसलें निकालेगी। हाँ हम इतनी हैवी मशीन जीरा निकाल रही है, और क्या चाहिए? सर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, हमारे व्यूवर्स हमसे पूछते रहते हैं कि आप मशीन के प्राइस क्यों नहीं बताते, कमेंट्स में क्यों नहीं बताते, इसका क्या रीज़न है? देखिए उसका रीज़न ये है कि मार्केट में ग्रो मटेरियल है जो उसकी कम ज़्यादा होता रहता है, तो उसमें रेटों में फ़र्क आता रहता है, या तो कम रहेगी 10-5 हज़ार या ज़्यादा रहेंगे उसमें फ़र्क आता रहता है। तो आप जब भी वीडियो देखते हो, आप पुरानी वीडियो देखते हो या नई वीडियो देखते हो, तो उस हिसाब से उसका आइडिया नहीं चलता है, तो इसलिए रेट नहीं बता सकते। अगर आपको रेट प्राइस में पूछना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या हमें कॉल कीजिए, आपको लिंक पे या वीडियो में आपको नंबर दी जाएगी। अच्छा यही कारण है जिस प्रकार कारों की रेटें ऊपर नीचे होती रहती है? हाँ बिल्कुल जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।